हेलो दोस्तों, मेरा नाम पेस्टिसाइड्स का इशू है, ये हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण ये है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में टॉपिक था कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है यवतमाल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे 40 से ज़्यादा फार्मर्स जो हैं वो मर गए। कैसे मरे? तो स्टेट गवर्नमेंट ने जब वहाँ पे इंक्वायरी बिठाई, तो जो इंक्वायरी की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन थी, जो शुरुआती दौर की इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें ये पाया गया कि जो फार्मर्स मर रहे हैं वो ओवरडोज ऑफ पेस्टिसाइड से मर रहे हैं। कि मतलब जो पेस्टिसाइड्स फार्मर यूज़ कर रहे हैं उसकी ओवरडोज हो रही है उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से फार्मर्स के अंदर हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, उनकी जो सेहत है वो इम्पैक्ट हो रही है, और उस वजह से जो फार्मर्स हैं वहाँ के वो मर रहे हैं। 40 तो मर गए, ऐसे बहुत से फार्मर्स हैं जो अभी वेंटिलेटर पे हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं, और ऐसे बहुत से किसान हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई और जिनको अलग अलग प्रकार से कोई स्किन डिजीज़ हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई। सो बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो पेस्टिसाइड्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके अंडर वो सफ़र कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि यवतमाल कहाँ पे है एग्जैक्टली, तो ये इंडिया का मैप है, ये सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में यवतमाल है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मैप की, तो महाराष्ट्र जैसे कि आपको पता होगा कि अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि विदर्भ रीजन हो गया, कोंकण रीजन हो गया, मराठवाड़ रीजन हो गया। तो ये रहा यवतमाल, ये जो आता है ये विदर्भ रीजन में आता है। विदर्भ रीजन अगर आपने सुना हो न्यूज़ में कभी, तो इंडिया का सबसे ज़्यादा ड्राउट प्रोन एरिया है विदर्भ रीजन। यहाँ पे हर साल सैकड़ों फार्मर्स जो हैं, सैकड़ों किसान जो हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो किसान फसल उगा रहा है वो उधार पे पैसा लेके फसल उगा रहा है। अब क्योंकि ये ड्रॉट प्रोन एरिया, यहाँ पे बारिश कम होती है और क्रॉपिंग पैटर्न भी कोई खास नहीं है, तो क्या हो रहा है कि फार्मर्स के पास यहाँ पे जो है क्रॉप्स उगती नहीं है ठीक से, क्योंकि पानी की किल्लत है। जो उन्होंने पैसा उधार पे लिया था वो सारा का सारा पैसा डूब गया, क्योंकि क्रॉप्स ठीक से नहीं उगी। तो अब क्या होता है कि क्योंकि किसान के पास पैसा वापस चुकाने के लिए नहीं होता, तो वो ये सोचता है कि मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, और वो आत्महत्या कर लेता है। तो विदर्भ रीजन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि यहाँ पे किसान जो हैं सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्म डिस्ट्रेस, अगर ये आपने कीवर्ड सुना हो कहीं पे, फार्म डिस्ट्रेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें यवतमाल की, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है वो है रुई, दैट इज़ कॉटन। कॉटन यहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो क्या था पहले, अगर हम पहले ज़माने की बात करें, तो यहाँ पे नॉर्मल कॉटन उगाई जाती थी, लेकिन फिर क्या होने लगा कि वो जो कॉटन थी उस पर पेस्ट अटैक होने लगा। अलग अलग तरीके के जो पेस्ट थे वो उस क्रॉप को अटैक करने लगे, उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने लगे। फिर क्या हुआ, इस पेस्ट अटैक को देखते हुए जो हमारा जो एग्रीकल्चर है, यहाँ पे इनोवेशन होने लगा, यहाँ पे साइंटिफिक इनोवेशन होने लगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास आया बीटी कॉटन। बीटी कॉटन मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, एक ऐसा कॉटन जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट था, जेनेटिकली मॉडिफाइड था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉटन इसे माना जा रहा था। लेकिन क्या हुआ यवतमाल में, जैसे ही फार्मर्स ने बीटी कॉटन उगाना शुरू करा, शुरुआती दौर में तो सब अच्छा था, लेकिन अब के दौर में आज की तारीख की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो बॉल वॉर्म करके एक पेस्ट होता है जो पहले कॉटन को अटैक करता था। जब बीटी कॉटन आया तो इस पर्टिकुलर बॉल वॉर्म का जो अटैक है वो थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है ट्रेंड, कि जो बॉल वॉर्म है वो बीटी कॉटन को भी अटैक कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीटी कॉटन की जो एक स्ट्रेंथ थी वो कम हो रही है, और जो बॉल वॉर्म है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है बीटी कॉटन की तरफ, और वो स्ट्रांग होता जा रहा है खुद, इतना स्ट्रांग कि वो बीटी कॉटन को अटैक कर सके। बेसिकली क्या हो रहा है कि बॉल वॉर्म के अंदर जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं वो हो रहे हैं, और उन जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से जो बॉल वॉर्म है वो स्ट्रांग हो रहा है और वो बीटी कॉटन को अटैक कर रहा है। तो यवतमाल की अगर हम स्टोरी देखें तो यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे फार्मर्स ने बीटी कॉटन उगाना शुरू करा, लेकिन क्योंकि बॉल वॉर्म में जेनेटिक म्यूटेशंस हुए तो वह स्ट्रांग हो गया, वो बीटी कॉटन को भी अटैक कर पा रहा है। तो जैसे ही उसने बीटी कॉटन को अटैक करा, फार्मर्स ने अपनी क्रॉप बचाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए जो केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका स्प्रे शुरू कर दिया। और इसी जो है बहुत ही अत्यधिक मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जब ये स्प्रे किया गया, तो इस वजह से फार्मर्स के जो बॉडी है उसमें पेस्टिसाइड्स घुस गए, और उस वजह से उनको हेल्थ इम्प्लीकेशन हो गया, और उनको अब ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि फार्मर्स ने कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ किया था यहाँ पे, उसका नाम है मोनोक्रोटोफोस। मोनोक्रोटोफोस करके पेस्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल विदर्भ रीजन में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था।
अगर हम इस मोनोक्रोटोफोस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, फोस, फोस मतलब फॉस्फेट। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है, काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस है हेल्थ के लिए। इवन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस पर्टिकुलर केमिकल को लिस्ट 1B, कैटेगरी 1B में डाला हुआ है। और ये माना जाता है कि WHO जब भी किसी केमिकल को कैटेगरी 1B में डालता है तो इसका मतलब वो जो केमिकल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक है, बहुत ही ज़्यादा वो हैजार्डस है, बहुत ही ज़्यादा वो हार्मफुल है और उस केमिकल का इस्तेमाल हमारे को नहीं करना चाहिए। जब WHO ने ये केमिकल को कैटेगरी 1B में डाला तो ये केमिकल जो है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बैन कर दिया। मतलब कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उन्होंने इस केमिकल को बायकॉट कर दिया। लेकिन इंडिया में आज भी ये केमिकल का भरपूर इस्तेमाल होता है। भारत सरकार की गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि आप जो मोनोक्रोटोफोस है इसको आप फूड आइटम्स के लिए यूज़ मत करो, इसको आप नॉन फूड आइटम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी वजह से जो मोनोक्रोटोफोस है वो विदर्भ के जो फार्मर्स हैं वो कॉटन कल्टिवेशन के लिए आज भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें मोनोक्रोटोफोस की, तो हमने देख लिया कि ये जो है एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है, पॉइजनस है, 1B कैटेगरी में आता है, नॉन फूड आइटम्स के लिए इंडिया में आज भी यूज़ किया जाता है। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या कि जो मोनोक्रोटोफोस है वो प्लांट्स को हेल्दी और ग्रीन दिखाता है। मतलब अगर आप किसी प्लांट पे मोनोक्रोटोफोस यूज़ कर रहे हो सो दैट प्लांट वुड बिकम ग्रीन एंड हेल्दी, वो ऐसा दिखेगा कि बहुत ही स्वस्थ प्लांट है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल छुपे हुए हैं उनका एक जो दुष्प्रभाव पड़ता है, जो दुर्प्रभाव पड़ता है, उनका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो नहीं दिखता। सो जो ये मोनोक्रोटोफोस है, अब हमने ये देख लिया कि जो यवतमाल के जो फार्मर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इस केमिकल से इम्पैक्ट हुए, उनकी काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हो गई, कुछ फार्मर्स जो हैं वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं, कुछ फार्मर्स की आंखों की रोशनी चली गई। तो ये जो केमिकल है ये ऐसा क्या करता है कि इतने ज़्यादा हेल्थ इम्प्लिकेशंस हो रहे हैं? तो ये जो मोनोक्रोटोफोस है ये एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जाके इम्पैक्ट करता है। आप मान लीजिए आपने सोचा कि आपको अपना सीधा हाथ जो है वो खड़ा करना है, ठीक है, अब आपके दिमाग से सिग्नल निकलेगा, आपके सीधे हाथ की मसल सक जाएगा, उसके बाद आप उस हाथ को खड़ा करोगे। लेकिन मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं से मोनोक्रोटोफोस आ गया, तो अब जो आपके ब्रेन ने सिग्नल जनरेट करा था राइट हैंड की मसल के लिए कि आपको वो हाथ खड़ा करना है, वो जो केमिकल है वो सिग्नल्स को ब्लॉक करेगा, उन सिग्नल्स को वो एटीन्यूएट करेगा, मतलब कि जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको वो कम कर देगा। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी ब्रेन से सिग्नल निकल रहे हैं या हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं उनके अंदर जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उन सिग्नल्स को ये जो केमिकल है रोक लेता है, उनको ब्लॉक कर लेता है, और इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती। तो वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस, एक जो प्रभाव इस केमिकल का हमारी बॉडी पे पड़ रहा है वो ये है कि ये जो है ये पैरालिसिस भी क्रिएट कर सकता है। सो अभी तक हमने देखी विदर्भ की पिक्चर कि यहाँ पे कैसे बीटी कॉटन आया, कैसे यहाँ पे बोलवॉर्म ने बीटी कॉटन को अटैक करा, कैसे यहाँ पे मोनोक्रोटोफोस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे पिक्चर एल्सवेयर की, मतलब कि क्या ये सिर्फ विदर्भ रीजन है जहाँ पे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसका इस्तेमाल होता है, या फिर भारत के दूसरे हिस्सों में भी, भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी इसका जो दूसरे केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है या नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें तो केरला में आज भी एंडोसल्फन का इस्तेमाल होता है। एंडोसल्फन जो है वो एक केमिकल है जो इंटरनेशनली बैंड है, जिसका इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बायकॉट करा हुआ है, लेकिन इंडिया में आज भी वो एंडोसल्फन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। केरला में जो काजू की प्रोडक्शन होती है, कैश्यू की अगर हम बात करें तो कैश्यू प्लांटेशंस में, काजू के बगान में आज भी एंडोसल्फन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक और हैजार्डस केमिकल है जो आज भी इंडिया में यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कि एंडोसल्फन का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो एंडोसल्फन है उसके यूज़ की वजह से जो नियोनेटल्स होते हैं, जो नवजात शिशु होता है, जो नए पैदा हुए बच्चे हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज पाई जा रही हैं बिकॉज ऑफ एंडोसल्फन। सो सिर्फ विदर्भ रीजन में ही, भारत में अलग अलग जगहों पर, भारत के अलग अलग हिस्सों में जो ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं इनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जा रहा है।
सो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि जो हमारे जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनका किस प्रकार से सेहत पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका सिर्फ हेल्थ पे ही नहीं, बाकी और जगहों पे भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम वन बाय वन करके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं पेस्टिसाइड्स के उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है एडिशनल इनपुट कॉस्ट। मान लीजिए अगर कोई किसान है, वो खेतीबाड़ी कर रहा है, अगर उस किसान के पास कोई भी पेस्ट अटैक नहीं हो रहा उसकी क्रॉप पे, तो वो फार्मर को पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स हैं वो पेस्ट प्रोन हैं, उनके ऊपर पेस्ट अटैक होते हैं, तो इस वजह से फार्मर्स को जो है एडिशनल लोन लेना पड़ता है पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए। और जो पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जो पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट है उसकी वजह से फार्मर को लोन लेना पड़ता है, तो एज अ रिजल्ट एक इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा है इन पेस्टिसाइड्स की वजह से फार्मर्स पे। हेल्थ इम्प्लिकेशंस हमने देख लिए थे। अगर हम बात करें बायो मैग्निफिकेशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंट और इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हो रहा है, आप बायो मैग्निफिकेशन समझते हैं पहले क्या चीज़ होती है। मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं, चावल में फार्मर ने कुछ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करा, अब वो जो पेस्टिसाइड है, मान लीजिए एक किलो चावल में 10 ग्राम पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, या एक किलो चावल में 1 ग्राम पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, आपने 10-20 साल तक लगातार चावल खाया, और वो जो पेस्टिसाइड है एक एक ग्राम करके आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता गया। जैसे जैसे वो इकट्ठा होता रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, वो आपको अलग अलग प्रकार के हेल्थ इम्प्लिकेशंस देता रहेगा, अलग अलग प्रकार के जो हेल्थ के जो प्रभाव हैं आपके ऊपर वो आपको दिखने शुरू होंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मतलब कि इवन दो एक किलो चावल में तो सिर्फ एक ही ग्राम पेस्टिसाइड था, लेकिन जब आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेट से आपने 10-20 सालों में 10-15 किलो 100 किलो चावल खाए, उन सब चावलों का जो पेस्टिसाइड है वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया, आपकी बॉडी के अंदर जमा हो गया। अब क्या होगा कि वो जो पेस्टिसाइड है जब वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो आपकी बॉडी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। अब कुछ पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मतलब कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको हम दो तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए अगर एक पेस्टिसाइड आपकी बॉडी के अंदर आ गया किसी भी प्रकार से, वो टूटने में कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, वो लंबी लंबी कार्बन की चेन्स होती हैं, उनमें अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं, लाइक सल्फर, फॉस्फेट, क्लोरीन, अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं। तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो टूटने में कितना टाइम ले रहे हैं, उनकी जो चेन है उसको ब्रेक होने में वो कितना टाइम ले रहे हैं। अगर वो ब्रेक होने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। मतलब कि वो बॉडी के अंदर परसिस्ट करते रहेंगे, वो बॉडी के अंदर जमा होते रहेंगे, और उनका जो टूटना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो DDT है, DDT जो है वो 30 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 3 दशक पहले, 3 decades पहले भारत सरकार ने बैन कर दिया था। लेकिन रिसेंटली अभी स्टडी कंडक्ट हुई थी और उसमें ये पाया गया है कि जो DDT के जो ट्रेसेस हैं, अगर कोई नवजात शिशु, कोई नियोनेटल अगर माँ का दूध पी रहा है, तो वो माँ के दूध में भी DDT के ट्रेसेस आज भी पाए जाते हैं। तो आप ये देखिए कि एक ऐसा केमिकल जिसका यूज़ 30 साल पहले बंद हो गया था, आज भी उसके जो ट्रेसेस हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो DDT है बॉडी में जाने के बाद वो टूट नहीं रहा है, वो परसिस्टेंटली बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और इसलिए हम उसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कहते हैं। सो ये जो है, ये 3 हमने अभी तक इम्पैक्ट्स देखे पेस्टिसाइड्स के, दैट इज़ एडिशनल इनपुट कॉस्ट, हेल्थ इम्प्लिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन। अगर हम और दुष्प्रभाव की बात करें, और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं पेस्टिसाइड्स के, तो उसमें एक है हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारे निर्यात हैं खाने के, उस पर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ से फूड आइटम्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट की जाती हैं, दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड देयर। तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए यूरोपियन यूनियन जो है हमसे बहुत सारे जो है आम इंपोर्ट करता है, हम जो है आम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि जो इंडिया से आम आएगा उनमें जो पेस्टिसाइड्स का लेवल होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ होती है रेजिड्यू लेवल, एक चीज़ होती है। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए अगर एक आम फार्मर ने उगाना है, उसमें उस फार्मर ने 1 किलो पेस्टिसाइड डाला, उस 1 किलो पेस्टिसाइड में से कितना पेस्टिसाइड जो है वो आम में रह गया, वो आम के अंदर चला गया, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल लेवल। मान लीजिए कि अगर 1 किलो पेस्टिसाइड में से 500 ग्राम जो है वो आम के अंदर रह गया, इसका मतलब क्या है कि जो रेजिडुअल लेवल है वो आधा किलो है, रेजिडुअल लेवल जो है वो 500 ग्राम है।
सो फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जो आम हम इंडिया से मंगा रहे हैं उसमें जो पेस्टिसाइड्स का रेजिडुअल लेवल होना चाहिए वो 10 ग्राम होना चाहिए, मतलब कि अगर 1 किलो पेस्टिसाइड फार्मर यूज़ कर रहा है तो उसमें से सिर्फ 10 ग्राम जो है वो आम के अंदर बचा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि इंडियन फार्मर्स जो हैं उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, तो वो रेकलेसली बिना किसी सोच के बिना किसी समझे एक्सेस अमाउंट्स ऑफ जो है वो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो पेस्टिसाइड्स का जो रेजिडुअल लेवल है वो बहुत ज़्यादा हमारे आमों में और अदर फूड क्रॉप्स में मेंटेन्ड है। अगर यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड है 10 ग्राम तो हमारे में मान लीजिए 40 ग्राम 45 ग्राम ऐसे पाया जा रहा है। सो इन सब कारणों की वजह से जो हमारा जो एक्सपोर्ट है फूड आइटम्स का वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया जा रहा है। अगर हम एक और इम्पैक्ट की बात करें तो वो है बायोडाइवर्सिटी का इम्पैक्ट। बायोडाइवर्सिटी में कैसे हो रहा है कि अगर हम एग्जांपल लें बी का, दैट इज़ मधुमक्खी का, तो क्या होता है कि मधुमक्खी ने जो फ्लावर्स का नेक्टर है वो सक करा, फ्लावर्स जो हैं फ्लावर्स को उगाने के लिए फार्मर्स ने जो है पेस्टिसाइड जो केमिकल्स यूज़ करे हुए थे, तो अब जो है इसका हमारे ऊपर दो तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। कैसे, जो मधुमक्खी है उसने जो नेक्टर है वो सक करा, अब वो मधुमक्खी की प्रोसेसिंग होगी, शहद बनेगा, तो वो जो शहद है उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा और वो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं शहद के उसे भी इम्पैक्ट करेगा। ये हो गया एक इम्प्लीकेशन। जो सेकंड इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जब मधुमक्खी जो होती है वो एक पॉलिनेटर का काम करती है। पॉलिनेटर का मतलब है कि जो मेल प्लांट्स हैं जो फीमेल प्लांट्स हैं उनके बीच में जो गैमीट्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र कराती है, तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो मधुमक्खी जो है क्योंकि वो फ्लावर्स का सेक्टर नेक्टर जो है वो सक कर रही है और वो काफ़ी ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, तो मधुमक्खी की जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का। इस वजह से जो पॉलिनेटर्स हैं, मधुमक्खी को नेचुरल पॉलिनेटर कहा जाता है। अब क्योंकि मधुमक्खी की जो पॉपुलेशन है वो पेस्टिसाइड्स की वजह से कम हो रही है, तो जो पॉलिनेशन है जो नेचुरल पॉलिनेशन होनी चाहिए वो भी कम हो रही है, और इस वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इम्पैक्ट हो रहा है। अगर हम बात करें एक और इम्प्लीकेशन की, तो एक जो प्रभाव पड़ रहा है इन पेस्टिसाइड्स का वो पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पे, दैट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या हो रहा है कि फार्मर्स जब ये पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें से कुछ पेस्टिसाइड्स जो हैं वो ज़मीन के पानी में जा रहे हैं। अगर फार्मर के खेत के पास कोई नदी बह रही है, कोई छोटी सी स्ट्रीम बह रही है, तो उसमें भी वो पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर जब पोल्यूट हो रहा है, तो आसपास के लोग जब वो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है। जो ये पेस्टिसाइड जब स्प्रे किए जाते हैं तो ये हवा में फैल रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हो रहा है, जब ये हवा में फैलते हैं तो जो आसपास की हवा है वो दूषित हो रही है। तो इन सब का जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है, इनका जो एक इम्पैक्ट है वो हमारे हेल्थ पे भी पड़ रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एल्गल ब्लूम की, क्या हो रहा है कि एल्गल ब्लूम एक कॉन्सेप्ट होता है, समझते हैं क्या है। मान लीजिए सन है, ये एक पॉन्ड है, फार्मर के खेत से पानी निकला पेस्टिसाइड्स लेके इस पॉन्ड में मिल गया जाके, इस पॉन्ड में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स इकट्ठे हो गए। अब ये पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, ये एल्गी होता है, एक ब्लू ग्रीन कलर का एक ऑर्गेनिज्म होता है एल्गी, पानी के सरफेस के ऊपर उस एल्गी को जमा कर देते हैं, मतलब जो एल्गी है वो पेस्टिसाइड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगता है। अब क्या हो रहा है कि ये जो पॉन्ड है, हमने देखा यहाँ पर सब जगह एल्गी हो गया, ये सन है, यहाँ से जो सन की रेज आ रही हैं, पहले क्या था वो नीचे तक जा रही थी, नीचे जो प्लांट्स थे, नीचे जो मछलियाँ थीं, जो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती थी वो मिल रही थी। लेकिन अब क्योंकि एल्गल ब्लूम हो गया, मतलब बहुत सारे एल्गी जो हैं वो इसके पॉन्ड के सरफेस पे इकट्ठे हो गए, इस वजह से जो सनलाइट का रास्ता है वो ब्लॉक हो गया। एज अ रिज़ल्ट जो नीचे की जो मरीन बायोडाइवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे हो रही है। इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, और इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी पे पड़ रहा है। तो अभी तक हमने देखे कि नेगेटिव प्रभाव क्या हैं हमारे पेस्टिसाइड्स के। अब बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की, कि मतलब जो हमारी जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनका क्या क्या यहाँ पर रोल होना चाहिए, और वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि इन दुष्प्रभावों को, इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम किया जा सके। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक हो गई सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी।
दूसरे होगा हमारे पास पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स, और तीसरे हमारे पास होगा किसान। तो ये तीन स्टेक होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री में, और हमारे को अब ये देखना होगा कि इन तीनों का क्या रोल है जिससे कि जो पेस्टिसाइड्स का जो ओवर यूज़ हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट का रोल है यहाँ पे वो क्या है, और गवर्नमेंट का क्या यहाँ पे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से पेस्टिसाइड्स का ओवर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सरकार के विषय से, तो भारत सरकार ने रिसेंटली, प्रसार भारती ने अभी एक सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया था जिसका नाम है DD किसान, दूरदर्शन किसान। इस चैनल पे क्या हो रहा है, किसानों के जो महत्वपूर्ण अलग अलग जो बीमारियां हैं क्रॉप्स की, या फिर जो वेदर कंडीशंस हैं, किस प्रकार से जो है मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किसान जो है कंडक्ट कर सकते हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पे बात होती है। लेकिन इस चैनल की जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो बहुत कम है, फार्मर्स के बीच में इस चैनल को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और ये चैनल इवन दो ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते हैं लेकिन फार्मर्स को अभी इस चैनल के बारे में नहीं पता है। तो सबसे पहला जो लूप होल है सरकार का वो ये है कि वो इस चैनल को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। अगर हम दूसरे लूप होल की बात करें सरकार के, तो वो ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे अलग अलग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी बैकबोन है एग्रीकल्चर। सो हर जो हमारी जितने भी क्रॉपिंग बेल्ट्स हैं, जितने भी फार्मिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होने चाहिए। मान लीजिए फार्मर को कोई तकलीफ़ है, उसको समझ नहीं आ रहा कौन सा बीज बोना है, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कौन सा मतलब किस प्रकार से पानी देना चाहिए, कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए, तो इन सब डाउट्स को दूर करने के लिए, इन सब जो ये फार्मर के मन में जितने भी ये डाउट्स आते हैं इनको दूर करने के लिए रूरल लेवल पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स होने चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ऐसा कोई भी एक्सपर्ट नहीं है फार्मर्स को गाइड करने के लिए रूरल लेवल्स पे। इस वजह से क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर हम यवतमाल की ही बात करें, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी जो BT कॉटन है वहाँ पे पेस्ट अटैक हुआ, बॉलवॉर्म ने अटैक करा। अब क्योंकि वहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चरल ऑफिसर नहीं था, तो फार्मर्स ने क्या किया, वो दुकानदार के पास गए, उन्होंने बोला अरे भैया हमारे तो यहाँ पे ये बॉलवॉर्म का अटैक हो गया, आप कुछ दवा अपनी तरफ से सजेस्ट कर दो। अब रिटेलर का जिसमें मार्जिन ज़्यादा होगा वो उसे सजेस्ट कर देगा फार्मर को। रिटेलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता फार्मर की क्रॉप ठीक से उग रही है, नहीं उग रही, मर रही है, फार्मर की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, रिटेलर को कोई मतलब नहीं है उन बातों से, उसको मतलब है सिर्फ अपने प्रॉफिट से। तो उसने जो है वहाँ पे सजेस्ट कर दिया मोनोक्रोटोफोस जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फार्मर ने मोनोक्रोटोफोस जो है वो वहाँ पे सजेस्ट कर दिया, फार्मर्स ने यूज़ करा, रिटेलर का कुछ गया नहीं लेकिन फार्मर बेचारा मर गया वो केमिकल यूज़ करके। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो लैक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की वजह से हो रही हैं। अगर हम बात करें कि और क्या लूपहोल्स हैं भारत सरकार के, तो एक लूपहोल है कि भारत सरकार ने रिसेंटली परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च करी थी। ये एक ऐसी योजना थी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई थी, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि जो केमिकल्स हैं उसका जो इस्तेमाल है वो कम करेंगे, और जो मैन्योर है, बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो नीम के पत्ते हो गए, जो हमारे काउ डंग हो गया, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा सो दैट हर्बल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सके। लेकिन ये जो योजना भारत सरकार लाई थी, इस योजना पे अभी तक कोई खास यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं दिखी है। अभी भी सिर्फ सिक्किम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, लेकिन बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी भी रेकलेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हो रहा है। पर्टिकुलरली जो हमारी ग्रीन बेल्ट है, वेस्टर्न UP की, पंजाब की, हरियाणा की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे अभी भी रेकलेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यहाँ पे हो रहा है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं मिला। दूसरी अगर हम बात करें कि और भारत सरकार के साइड पे क्या यहाँ पे कमियाँ रही हैं, तो वो है लैक ऑफ रेगुलेशन, कि कौन सा मैन्युफैक्चरर कौन सा केमिकल बना रहा है, कौन सा दुकानदार क्या बेच रहा है, भारत सरकार को ये सब का ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैन्युफैक्चरर जिसमें उसका मार्जिन ज़्यादा होता है, जो केमिकल आसानी से बन जाता है उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो डीलर्स हैं, वो भी वही बेच रहे हैं जिसमें उसका मुनाफा ज़्यादा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा केमिकल कितना टॉक्सिक है, किसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उनको कोई मतलब नहीं है। और भारत सरकार जो है वो भी ठीक तरीके से इन केमिकल्स को रेगुलेट नहीं कर पा रही है, तो एक ये लैक ऑफ रेगुलेशन यहाँ पे मेंटेन हो रही है। दूसरी अगर हम बात करें जो
मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं वो इलेजिटिमेट फेक और स्पूरियस पेस्टिसाइड, मतलब कि नकली केमिकल्स बेच रहे हैं, या फिर जो इलीगल पेस्टिसाइड्स हैं जो बैन हो चुके हैं जैसे कि एंडोसल्फन हमने देखा, उनको बेच रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका मुनाफा उसमें ज़्यादा है। सो इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्री सेल है टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स की वो बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस वजह से फार्मर्स की हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। अगर हम बात करें कि लेजिस्लेटिव एक्शन क्या है, आज की तारीख में जो हमारी जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है दैट इज़ कंट्रोल्ड, दैट इज़ रेगुलेटेड बाय इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 का जो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट है, जो वित्तीय एक्ट है, उसी का ही अभी इस्तेमाल हो रहा है, उसी एक्ट का। वो जो एक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उसे अगर हम कहें वो टूथलेस टाइगर हो चुकी है, ठीक है। तो वो जो एक्ट है उसमें इतने ज़्यादा प्रावधान नहीं है, उतने ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है कि वो जो इलीगल केमिकल्स हैं, जो फेक केमिकल्स हैं, जो इलेजिटिमेट केमिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल को रोक सके। तो इस वजह से भारत सरकार की जो है एक जो रेगुलेशन, जो एक पकड़ होनी चाहिए पेस्टिसाइड इंडस्ट्री पे, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। तो ये हमने देखा अभी तक कि भारत सरकार की जो साइड है वहाँ पे क्या क्या कमियाँ रही हैं, क्या क्या वहाँ पे लूप होल्स रहे हैं, भारत सरकार क्या क्या कर सकती है जिसकी वजह से जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। अब जो हम दूसरा स्टेक होल्डर है हम उसकी बात करेंगे। दूसरा स्टेक होल्डर कौन सा था? मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स। तो अब अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके एंड पे क्या कमियां हैं, तो सबसे पहली जो कमी है वो ये है कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो टॉक्सिक, स्प्यूरियस, फेक या इलीगल केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उन्हें दुकानों पे बेच रहे हैं। क्यों? अपने मुनाफे के लिए। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी पॉइंट क्या आता है कि जितने भी केमिकल्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका कहीं पे भी रेगुलेशन नहीं हो रहा है, उनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। भारत सरकार को, स्टेट अथॉरिटीज़ को नहीं पता कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। अब तीसरा लूप होल जो है इंडस्ट्री के पार्ट पर वो है मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल, मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट। मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए एक आम प्रोड्यूस करना है किसान को, उसमें उन्होंने एक किलो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करे। अब मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट जो है एक टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक किलो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करा है उसमें से कितना फर्टिलाइज़र जो है वो बच जाएगा क्रॉप में पीछे। मतलब कि अगर आपने एक किलो फर्टिलाइज़र यूज़ करा तो अगर उसमें से आधा किलो फर्टिलाइज़र क्रॉप में ही रह गया, उसके ट्रेसेस हमारे को मिल रहे हैं उगने के बाद, तो हम उसे कहेंगे कि उस केमिकल फर्टिलाइज़र का जो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट है वो आधा किलो है, ठीक है। कि मतलब खेतीबाड़ी करने के बाद अगर हम, जैसे मान लीजिए अगर आप आम खा रहे हो, आपने सोचा खाने से पहले एक बार लेबोरेटरी में टेस्ट कराता हूँ, उस आम में आधा किलो आपको पेस्टिसाइड मिलता है अगर, तो हम उसे कहेंगे कि मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट जो है वो आधा किलो है, ठीक है। तो अभी जो हमारे यहाँ केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो रेजिडुअल लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो रेजिडुअल लिमिट है ये हमारे को काफ़ी तरीके से इम्पैक्ट करती है। एक तो हमने देखा था कि हेल्थ इम्प्लिकेशन हो रहा है, दूसरा हमने देखा था कि रेजिडुअल लेवल जब ज़्यादा होता है तो फूड आइटम्स का एक्सपोर्ट करने में भी हमारे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये सब दिक्कतें हो रही हैं हाई रेजिडुअल लिमिट की वजह से। जो चौथी प्रॉब्लम है हमारे पास वो है सेफ्टी गियर की। अभी क्या हो रहा है, अगर कोई किसान जो है वो कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड खरीदने जाता है तो उसको उस डब्बे के साथ, पेस्टिसाइड के कैन के साथ, जो मैन्युफैक्चरर, जो रिटेलर हैं उन्हें सेफ्टी ग्लव्स देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर्स को और रिटेलर्स को एक रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री क्रिएट करनी है तो उन्हें फार्मर्स की हेल्थ का भी ध्यान यहाँ पर रखना होगा। केमिकल्स नो डाउट काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं, काफ़ी ज़्यादा वो हैजार्डस हैं, लेकिन अगर जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, अगर वो सेफ्टी गियर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें, मतलब कि साथ में वो हेलमेट प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो आँखों के ग्लासेस होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, गम बूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे तो फार्मर्स का इसमें काफ़ी भला होगा और जो हमारी जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन पाएगी। तो अभी जो है वो ग्लव्स सिर्फ प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये एक लूप होल है हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनका। जो पाँचवीं लूप होल है, जो पाँचवा यहाँ पे एक हमारे को दुष्प्रभाव देखने को मिलता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लैक ऑफ प्रिकॉशंस मेंशनड ऑन द बैग। मतलब कि
अगर कोई मैन्युफैक्चरर कोई एक बैग में पेस्टिसाइड्स को पैक कर रहा है, वो एक बैग में पेस्टिसाइड्स को बेच रहा है, उस बैग के ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी होती, उस बैग के ऊपर कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो नहीं लिखे होते, फार्मर्स को एज अ रिज़ल्ट नहीं पता चलता है कि उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उन्हें मुंह ढकना चाहिए, उन्हें आंखें ढकनी चाहिए, उन्हें अपनी स्किन कवर्ड रखनी चाहिए, उन्हें लंबे जो गम बूट्स होते हैं वो पहनने चाहिए, एज अ रिज़ल्ट फार्मर को ये सब नहीं पता होता, कि ऑब्वियसली फार्मर जो है वो खुद इलिटरेट है, उसे क्या पता होगा। तो यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन और रिएक्शंस के बाद केमिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, तो ये उनका एक दायित्व बनता है कि उनको जो प्रिकॉशनरी मेजर्स फार्मर को लेने चाहिए वो टेक्स्ट फॉर्म में और पिक्चर फॉर्म में जो पैकेट है उसके ऊपर दिखाने चाहिए, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनकी एक हेल्थ को जो नेगेटिव जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो ना पड़े। अब हम आते हैं हमारे तीसरे स्टेक होल्डर पे, जो हैं हमारे किसान। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि फार्मर्स का यहाँ पे क्या दायित्व बनता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो सबसे पहले ये बात आती है कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं जिन्हें हम मीडियम और लार्ज फार्मर्स कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डेली वेज अर्नर्स को हायर करते हैं, डेली लेबरर्स को हायर करते हैं अपने पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करवाने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि ये जो बड़े फार्मर्स हैं, ये जो लार्ज फार्मर्स हैं, ये एम्प्लॉयर हो गए इन डेली वेज अर्नर्स के, तो इन फार्मर्स का दायित्व बनता है एज एन एम्प्लॉयर कि ये इन डेली वेज अर्नर्स को, इन लेबरर्स को गम बूट्स प्रोवाइड करें, मास्क दें, ग्लव्स दें, हेलमेट दें, आँखों के ग्लासेस दें, जिससे कि ये जो लेबरर्स हैं इनको जो एक एक्सपोजर हो रहा है पेस्टिसाइड्स का, उस एक्सपोजर को हम रिड्यूस कर सकें, उस एक्सपोजर को कम कर सकें। तो जो बड़े फार्मर्स हैं उनका यहाँ पे दायित्व बनता है कि जो लेबरर्स हैं उनको ये चीज़ प्रोवाइड की जाए। दूसरी चीज़, जो साइंटिफिक यूज़ होना चाहिए पेस्टिसाइड्स का वो नहीं हो रहा है। अब जो पेस्टिसाइड्स छिड़कने का आइडियल टाइम होता है वो होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच में, या फिर शाम को 7 बजे के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह 6 से 8 के बीच में या फिर शाम को 7 बजे के बाद क्या होता है कि जो तापमान होता है वो काफ़ी कम होता है, जो टेम्परेचर होता है कम होता है, जो हवा चल रही होती है वो उसकी स्पीड कम होती है, दोपहर में क्या होता है टेम्परेचर भी ज़्यादा है और जो विंड स्पीड है वो भी ज़्यादा है। तो अब क्या हो रहा है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो टॉक्सिक ज़्यादा होते हैं, मतलब कि दोपहर के टाइम जब तापमान सबसे ज़्यादा होगा तो जो केमिकल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक दोपहर के टाइम होंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच में या फिर शाम को 7 बजे के बाद कोई लेबरर मिलेगी नहीं, तो क्या होता है कि फार्मर सोचते हैं चलो ठीक है दोपहर के टाइम ही काम करा लेते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। तो क्या होता है जब वो दोपहर के टाइम पे पेस्टिसाइड छिड़कने जाते हैं, उस टाइम तापमान क्योंकि ज़्यादा है तो वो पेस्टिसाइड्स जो है उनकी बॉडी के साथ, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, उनकी आँखों के साथ, उनकी स्किन के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्ट करती है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इम्प्लिकेशंस होते हैं। तो फार्मर्स को यहाँ पे एक अवेयर होने की ज़रूरत है, एक साइंटिफिक प्रैक्टिसेस यूज़ करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक और साइंटिफिक टेक्निक जो है जो फार्मर्स इग्नोर करते हैं वो है विंड पैटर्न। मान लीजिए ये फार्मर एक ये पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है ऐसे, ठीक है, हवा जो है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। अब क्या होगा कि ये जो हवा चल रही है जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे पेस्टिसाइड्स के वो फार्मर से दूर ले जाएगी, क्योंकि जो स्प्रे करने की डायरेक्शन है और जो हवा की डायरेक्शन है वो सेम है, ठीक है। अब क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है तो जो फार्मर को एक एक्सपोजर हो सकता था वो कम हो गया। तो इस तरीके से फार्मर्स को जो है यहाँ पे स्प्रे करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये फार्मर है उसको क्योंकि नहीं पता कि विंड पैटर्न क्या है, विंड डायरेक्शन क्या है। मान लीजिए हवा जो है इस डायरेक्शन में चल रही है फार्मर की तरफ, वो इस डायरेक्शन में पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है, तो क्या होगा ये जो हवा आ रही है छोटे छोटे यहाँ से पेस्टिसाइड्स के ड्रॉपलेट्स लेके फार्मर की बॉडी से अटैच कर देगी, और एज अ रिज़ल्ट फार्मर की बॉडी जो है वो ज़्यादा एक्सपोज होने लगेगी लीथल पेस्टिसाइड्स के। सो ये एक जो विंड पैटर्न है वो फार्मर्स को समझना पड़ेगा, ये साइंटिफिक प्रैक्टिसेस जो है फार्मर्स को फॉलो करनी पड़ेंगी, उसी के बाद जाके जो उनका एक एक्सपोजर है वो कम होगा। अगर हम एक कॉन्सेप्ट और समझें, दैट इज़ लीथल डोज 50 का। लीथल डोज 50 क्या होती है, जब भी फार्मर जो है कोई कैन खरीद के लाता है, कोई ड्रम खरीद के लाता है, कोई बोरा खरीद के लाता है पेस्टिसाइड्स का, तो उस ड्रम के ऊपर, उस बैग के ऊपर लीथल डोज 50 मेंशन्ड होता है। अब ये होता क्या है, लीथल डोज 50 जो होता है वो होता है कि आपको कितना पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए जिससे कि 50% ऑफ द पेस्ट जो हैं वो मर जाएं।
लीथल डोज 50, मतलब कि मान लीजिए अगर हम मोनोक्रोटोफोस का ही एग्जांपल लें और बीटी कॉटन का एग्जांपल कंसिडर करें बोलवॉर्म का, तो अगर मोनोक्रोटोफोस के पैकेट पे लिखा है कि आप जो लीथल डोज 50 है वो 100 ग्राम है, इसका मतलब ये हुआ कि 50% बोलवॉर्म मारने के लिए आपको 100 ग्राम मोनोक्रोटोफोस यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो लीथल डोज 50 है ये बैक के ऊपर क्लियरली मेंशन्ड होती है, लेकिन क्योंकि फार्मर्स में अवेयरनेस नहीं है, फार्मर्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो वो जैसे ही वो देखते हैं कि पेस्ट अटैक हो रहा है, वो बिना किसी साइंटिफिक यूज़ के, बिना किसी समझदारी के बोरे वहाँ पे क्रॉप्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये लीथल डोज 50 का भी कॉन्सेप्ट फार्मर्स को अवेयर कराना पड़ेगा। अभी तक हमने देखा कि पेस्टिसाइड्स के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स कहाँ यूज़ होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग वो अपने अपने पार्ट पे क्या कमियां हैं उनकी। अब हम देखेंगे मुख्य परीक्षा दैट इज़ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि वे फॉरवर्ड क्या है और आगे जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि जो पेस्टिसाइड्स का एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो जाए। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा था कि जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट के लूपहोल्स की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 जो है वो रेगुलेट करती है हमारी पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। अभी जो है सिर्फ एक वही प्रावधान है, वही एक लीगल मेजर है जिसकी वजह से जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कंट्रोल होते हैं। लेकिन अब बात ये चल रही है कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2008 लाना चाहिए। ये जो बिल है ये 2008 से हमारे पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस बिल के अगर हम सैलियंट फीचर्स की बात करें, अगर हम इस बिल की समरी की बात करें, इस बिल में क्या क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो सबसे पहला जो इस बिल का फीचर है वो है कि सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड एक क्रिएट किया जाएगा। सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड का क्या काम होगा, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स जो अलग अलग केमिकल्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो रिटेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं, जो हमारी जो पेस्टिसाइड पॉलिसी है कंट्री की, उसको ये रेगुलेट करेंगे कि कितना मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल होना चाहिए, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन होना चाहिए, इनोवेशन क्या होनी चाहिए, बायो पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर जो है सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड का ज़्यादा ध्यान रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड है वो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पेस्टिसाइड पॉलिसी को भी गाइडलाइन करेंगे, मतलब कि अगर इंपोर्ट कर रहे हो पेस्टिसाइड तो कौन से करो, कहाँ से करो, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कितनी मात्रा में करो कि हमारी जो इंडिया यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की कमी ना हो जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड हमारा देखेगा। उसके बाद ये जो बिल है वो ये कहता है कि जो अलग अलग पेस्टिसाइड्स हैं उनको कैटेगराइज किया जाएगा, मतलब कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, गुड क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, मिसबैंडेड, स्पूरियस। तो इससे क्या होगा कैटेगराइजेशन से कि ये जो तीन कैटेगरीज में जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स आएंगे, स्प्यूरियस, सब स्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड में, इनको बैन कर दिया जाएगा। अगर कोई भी दुकानदार ये बेचता हुआ पाया गया या कोई भी मैन्युफैक्चरर ये मैन्युफैक्चर करता हुआ पाया गया, उसका लाइसेंस स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है वो कहता है कि एक रजिस्ट्रेशन कमेटी बनाई जाए। रजिस्ट्रेशन कमेटी मतलब कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर को कोई भी पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर करना है तो उसे वो पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा विद द रजिस्ट्रेशन कमेटी। मान लीजिए आपको मोनोक्रोटोफोस बनाना, अगर आप पहले जाइए रजिस्ट्रेशन कमेटी में, उसको रजिस्टर कराइए, उसके बाद ही आप वो मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्टर कराने से पहले, अगर आप मोनोक्रोटोफोस की रजिस्ट्रेशन कराने गए हो, उससे पहले आपको उसका मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट जो है वो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट कितनी है, आधा किलो है, 100 ग्राम है, 500 ग्राम है। डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट, अगर रजिस्ट्रेशन कमेटी को ठीक लगेगा तो ही वो आपका जो केमिकल है उसे रजिस्टर करेंगे, तो ही आप वो केमिकल जो है उसे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, उसे सेल कर पाएंगे। अगर उसकी मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट काफ़ी ज़्यादा हुई तो आप उसे ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हो और ना ही आप उसे बाज़ार में बेच सकते हो। और ये बिल ये भी कहता है कि जो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट है ये होनी चाहिए इन कंप्लायंस विद द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है ये हमारी फूड क्वालिटी को रेगुलेट करती है इंडिया में। तो अगर जो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट है वो इस एक्ट के इन लाइन है, इस एक्ट के सिंक्रोनाइजेशन में है, तभी आपका केमिकल जो है वो रजिस्टर किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। अगर हम इस बिल से आगे की बात करें कि भारत सरकार और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो और क्या कर सकते हैं,
तो सबसे पहली जो चीज़ वो कर सकते हैं वो ये है कि जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं विद बायो पेस्टिसाइड्स। अगर हम डिफरेंस समझें कि बायो पेस्टिसाइड्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो हैजार्डस होते हैं और जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं वो कम हैजार्डस होते हैं। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो टोटली केमिकल से बने होते हैं, लेकिन जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीम हो गया, वैस्प्स हो गया, तो ये जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं दे हैव सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन देम। तो इस वजह से जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं इनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो भारत सरकार जो एक स्ट्रैटेजी बना सकती है कि किस प्रकार से केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हैं उनको फेज़ आउट किया जाए और जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है, इसके अलावा नॉन पेस्टिसाइडल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस प्रमोट की जा सकती हैं, मतलब ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जहां पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्रॉप रोटेशन की, लेग्यूमिनस क्रॉप्स की, अगर हम बात करें समर प्लाउइंग की, तो ये सारी ऐसी प्रैक्टिसेस है जिनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, जिनकी वजह से जो पेस्ट हैं उनका जो थ्रेट है वो कम होता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अगर हम ज़्यादा प्रमोट करें तो हमारे को किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रैक्टिस की गई थी, इनको टेस्ट किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है प्रभावकारी साबित हुई हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम बात करें हमारे लास्ट स्लाइड की और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो उसमें जो पहला स्टेप है कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया जा सकता है इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, मतलब कि जो फार्मर्स हैं उनको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, जो लीथल डोज 50 है उसका क्या मतलब है, जो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट है उसका क्या मतलब है, किस केमिकल में कितनी ज़्यादा हैजार्डसनेस है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स की ट्रेनिंग करानी चाहिए। और जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसको प्रमोट करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। और एक आखिरी पॉइंट कि जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हों, उन सबको मतलब क्या होता है कि जो ये जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइंस देनी चाहिए कि जो टेस्ट है वो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल मैनर में होना चाहिए, उनको कड़े टेस्टों से पास कराना चाहिए जिससे कि जो केमिकल्स हैं उनकी हैजार्डसनेस पता चल सके। और साथ में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गाइडलाइंस भी ले डाउन करें कि अगर कोई किसान पर्टिकुलर पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है तो वो क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले जिससे कि उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो बॉडी है, उस पर दुष्प्रभाव कम पड़े। सो इस लेसन में इतना ही। हमने जितने भी यहाँ पे पेस्टिसाइड से रिलेटेड अलग अलग मेजर्स थे वो देखे, क्या लूप होल्स हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, कहाँ पे कौन सा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारी बातें इसमें हमने देखी। आप मुझे फेसबुक पे और कोरा पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।